पूरा प्रदेश कोरोना वायरस जैसी खतरनाक और घातक बीमारी से जूझ रहा है और लोग गांव अपने अपने परिवार की सुध-बुध भी नहीं ले रहे हैं। आज केलड़ा शहर में विगत दिनों से बेसहारा और गरीब लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं चले और ना ही इन्हें मजदूरी समय पर मिल रही है। आज पूर्व मंडल अध्यक्ष राम गोपाल सिकरवार ने गरीब बुजुर्ग लोगों को आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, मिर्च, मसाले, सब्जी आदि सामग्री बांटी तो गरीब बेसहारा लोगों के चेहरे पर सूरज की किरण चमक गई और कहा कि केरल शहर में कई दिग्गज नेता है परंतु हम गरीब लोगों की सुध-बुध लेने कोई नेता नहीं आया और चुनाव के समय पर हमसे बड़े बड़े वादे किए परंतु इस महामारी को देखते हुए आज पूर्व मंडल अध्यक्ष राम गोपाल सिकरवार हमारी सुध-बुध लेने आए। अब आने वाले चुनाव में हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बहुत ही मायावी कोरोना है। जैसे मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ मतलब छुपके बाण चला रहा था, लक्ष्मण जी बाणों को काट रहे थे लेकिन एक बाण माया रूपी लक्ष्मण जी के लगा जाके और वे मूर्छित हो गए। हनुमान जी सजीवनी सजीवन लाए और वो मूर्छा हटाई। ऐसे ये कोरोना है, इसका पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ से बाढ़ आ रहा है, इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना चाहिए और बाहर तभी निकलें जब कोई काम हो, नहीं तो निकलें ही नहीं मतलब जो है। और बहुत सख्ती करना है, शासन प्रशासन की मदद करना है। राम गोपाल सिकरवार ने राशन दिया है गरीब लोगों को और एक भी नेता जी ने और नहीं दिया है। नेता कोई काम के नहीं लग रहे हैं। गोपाल जी सिकरवार गरीबों के साथ आ कर रहे हैं। चुनाव में आते हैं, बड़ी बड़े आते हैं तो बड़ी बड़ी बातों कर जाते हैं, भी तो झूठे साबित है, नजर आ रहे हैं। केलरा से गौरव गोड़ की ये रिपोर्ट।